एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज है 6 जुलाई है। आज रात को भी इतनी बारिश हुई, सुबह से बारिश हो रही है, पर मैं हो गई हूँ रेडी गंधर्व जाने के लिए। और मैंने ये वाला सूट पहन लिया अपना, और जो बैग लाई थी ना वो भी इत्तेफाकन इसी कलर का है। मैं भी दिखाती हूँ, आज मेरी सेकंड क्लास है। और पता है क्या हुआ, मैं फोटो खिंचवानी भूल गई। मुझे 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी थी और आधार कार्ड की फोटो कॉपी करानी थी, भूल भी गई। और कल मैं खिंचवा भी नहीं पाती क्योंकि पूरी बारिश हो रही थी। और पता नहीं यहाँ पे तो थोड़ा दूर है, कहीं जाके खिंचवाना पड़ता है। तो आप ही अभी नहा रही है, अभी बाहर निकलती है, तो मैं देखती हूँ कि जाएगी मेरे साथ। 1 बज रहा है, 1 बज के ज्यादा ही, कितना टाइम हो रहा है अभी देखा नहीं मैंने। 2:15 पे मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, मेरी क्लास होगी 3:30 बजे। वापस से वही वाला रूटीन में मैं बन जाऊंगी यार, सो हैप्पी। और मैंने जो व्लॉग है वो भी अपलोड कर दिया सुबह, बस यहाँ पे वाईफाई नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अपलोड करने के लिए। व्लॉग बहुत लेट हुआ, व्लॉग अपलोड मतलब बहुत देर लग गई। आप ही का हॉटस्पॉट लेके मैंने कनेक्ट करके व्लॉग अपलोड किया, तो ठीक है, जो भी था हो गया व्लॉग अपलोड। और मैं आपको अपना बैग दिखाती हूँ। बिल्कुल सेम, ये देखो बिल्कुल सेम मेरे इस मैचिंग का, मुझे ऐसा लग रहा है। बता अटपटा तो नहीं लग रहा, आप ही से पूछा था मैंने, कह रही आप क्या कर सकते हैं, अटपटा लग भी रहा है तो। अब ये है, और सिमी आ गई है स्कूल से। और यहाँ पे ना रोशनी सिर्फ मुझे यही इतनी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं बालकनी में खड़ी होकर बात करती हूँ। स्कूल कैसा रहा? और आज प्रिंस भी स्कूल गया है, उसका मतलब छुट्टियों के बाद, समर वेकेशन के बाद आज पहला दिन है स्कूल का। वैसे आ ही जाएगा जब तक मैं निकलूंगी। सिमी ने चेंज कर लिया है, मैंने ब्लॉग, जैसे मैंने ब्लॉग कैमरा उठाया ना तभी गई है चेंज करने के लिए। रुको खाला मैं चेंज कर लूँ पहले। इस कुर्ते में मैं मोटी लगती हूँ, है ना? बताना मुझे कमेंट करके। किसी कमेंट आया था कि अर्शी आप अपने चश्मे में अच्छी लगती हो, तो चश्मा लगाया करो और अपनी आई साइट जो है मेंटेन रखो, चश्मा लगाओ। चश्मा नहीं लगाना तो कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन आई साइट का अपना ध्यान रखो। तो सही कह रहे हैं वो, क्योंकि मेरी आंखों का ना बिल्कुल खराब हो चुका है, खात्मा हो चुका है। अभी आते ही निकल के तो मैं देखती हूँ, वहाँ जाना है मुझे फोटो खिंचवाने, लेट ना हो जाए। गाइस आपको पता है मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ, तो मेरे को अकेले लंच खाना पड़ा। अरे बेंच पे बैठ गए और मेरे को अकेले बैठना पड़ा, कोई था ही नहीं मेरे साथ बैठने। सही है, अकेले भी इंसान को जिंदगी जीनी चाहिए, है ना? जो फिर पीरियड हमारा गेम्स का था, थर्ड पीरियड में ये बोलने में इतनी देर लगाती है ना, जब तक तो लोगों की गाड़ी निकल जाएगी। थर्ड पीरियड में ना हमारा गेम्स का पीरियड एक और था, और थर्ड पीरियड में ना बारिश हो गई। आवाज नहीं आई इसकी, बारिश हो गई इसकी, आवाज आई बताना इसको कमेंट करके। थर्ड पीरियड में बारिश हो गई। हाँ ऐसे यार, जो आप ही कह रही है कि बहुत दूर है यार, यहाँ पे कोई आसपास है ही नहीं स्टूडियो फोटो खिंचवाने के लिए, मुझे पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप ही कह रही है खुद के कैमरे से खींच ले और वो प्रिंट आउट निकल जाएगा उसका, बताओ कैसे करूँ? देखती हूँ, करना तो पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं फोटो खींच रही हूँ, आप ही कह रही है कि फोटो खींच ले और प्रिंट निकलवा लियो, सही रहेगा ना? ऐसे तो वहाँ जाना पड़ेगा मेरे को दुकान पे, पासपोर्ट साइज फोटो का प्रिंट निकाल देंगे। सिमी को लेके भेज, यहाँ से आटा लेके आ जाइए, तो वो कह रहे हैं शॉप पे उनका कोई है नहीं। अभी खींच दिया मैंने फोटो, यहीं पे खींच लिया इससे, और सही आ रहा है पासपोर्ट साइज का ना, वो साइज में थोड़ा कर देंगे, उसका प्रिंट निकाल देंगे, हो गया मेरा काम यार। इतनी पता नहीं कहाँ जाना पड़ता है, और मुझे फोटो कॉपी भी करानी है, वो भी वही हो जाएगी। आप ही देख ले एक बार फोटो कैसे खींचा है मैंने। हमने बना लिया है खाना, सुबह आप ही ने बनाया था ये पनीर, और सुबह हमने पराठों के साथ ही नाश्ते में खाया। बना रही है आप रोटी एंड हम हो जाएंगे मोटी। खाना खाती हूँ, फोटो खींच लिया मैंने, उनसे बात कर ले तू हाँ कि वो निकाल भी देंगे या नहीं। साइज में एक फोटो खींचा तो है छोटा सा, तो खाना खाती हूँ और फिर मैं निकल जाती हूँ, और फिर ऐसे निकल जाऊंगी, बस खाना खाने की देर थी। चलो भैया थैंक यू। हाँ यार मैंने एक चीज तो दिखाई नहीं आपको, हमने रात को पूरा, हमने पूरा ना घर का शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे ये वाला जो दीवान था इधर था, तो हमने वहाँ से पूरा वाले रूम से बेड निकाल के यहाँ रख दिया, और ये यहाँ पे रख दिया, और सोफा है यहाँ पे। अभी पूरा जो ये जो हॉल है पूरा भर दिया है हमने, इसको टीवी वहाँ पे लगा दिया, पूरा घर एकदम खाली, वाले रूम तो बिल्कुल खाली हो गया। खाना खाते हैं बस, इसको भी खिलाओ बेचारों को। राइस खा लो यार, खाना खा लो, अच्छा बनाया बनाया। कॉन्फिडेंस देख रहे हो, फिर अच्छा ही बनाया मैंने, अच्छा नो डाउट। सिमी ठीक है? तेरी बोतल, सिमी की बोतल लेके जा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास पानी की बोतल नहीं है, मैं ले आऊंगी। फिलहाल तो ये रख लेती हूँ, ऐसे लंबी लंबी रखू ना, गिरती तो नहीं है पानी। चल ठीक है निकल रही हूँ मैं, फिर मैसेज देख लिया था ना उन्होंने, पता नहीं पासपोर्ट साइज फोटो निकलेगा या नहीं निकलेगा। चलो भाई बाय बाय। बाय सिमी। मास्क नहीं लिया मैंने, रुको पानी ना भरा हुआ, और यार मास्क मिला ही नहीं मेरा, मास्क ना मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। वैसे भी खैर मास्क कोई अनिवार्य नहीं है, सांस ही फूलता है मेरा, सांस इतना ज्यादा फूलता है। इधर से निकल जाती हूँ, पानी भरा हुआ है पूरे में, बारिश इतनी ज्यादा हुई है। फिलहाल अब नहीं है पानी, सुबह बहुत भरा हुआ था पानी। बस मुझे फोटो निकलवाने हैं, आधार कार्ड की फोटो कॉपी करवानी है, बस यही। यहाँ से रिक्शा नहीं मिलेगा, मेरे को चल के जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाया करेगी। छोटा ऐसे करके राउंड हो रही है,
तो आप इसको बड़ा कर दो ना इसके अकॉर्डिंग। पासपोर्ट साइज चाहिए ना? हाँ तो पासपोर्ट साइज ही है लेकिन वो लैंडस्केप पे आ रही है। अच्छा तो वो साइज और छोटा हो जाएगा। तो फिर क्या करूँ? एक जो नॉर्मल फोटो है या दिखाओ। भैया ने दोबारा से क्रॉप करी है फोटो, देखते हैं आप सही हो जाए। मुझे पानी की बॉटल भी लेनी थी तो मैं यहाँ से देख रही हूँ बगल में अंकल प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो काम एक साथ हो जाएंगे ना। बड़ी हो लाइट वेट हो बस। कितना पानी आ जाएगा इसमें? दो ग्लास बस। थोड़ी ये मैंने ये वाली बॉटल चेंज कर लूंगी सिमी की और ये घर के लिए ले ली। मैंने वॉश कर दी, ये वाली बॉटल ले ली मैंने। हाँ ले ली मैंने बॉटल और ये मैं आप ही को बस पकड़ा दूंगी, अपना फोटो कॉपी ले लेती हूँ। चौकीदार को दे दी थी मैंने, वो सिमी भी आ गई। फाइनली अब निकल गई मैं, पहुंच गई मैं मेट्रो। यार इतना पसीना आ गया, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत उमस हो गई लेकिन हवा फिर भी थोड़ी सी ठंडी चल रही है लेकिन उमस हो गई है। इसमें तो पानी गिर गया, वो कह रही थी गिरेगा नहीं, नई बॉटल से पानी पीते हैं। उल्टी हवा चल रही है, सारे बाल ऐसे उड़ रहे मेरे। पहुंच गई हूँ मैं, वहां से मुझे वैशाली का मैसेज आया है कि वो आई हुई है तो वो मिलेगी मुझे आज। बहुत लंबे समय बाद वैशाली से मिलूंगी मैं। ये देखो जुगाड़ वाली मेरी फोटो, मैंने अभी ये खींची थी फोटो, प्रिंट आउट निकाल लिया, हालांकि उतना अच्छा नहीं निकला। ठीक है काम चलाने के लिए तो ठीक है ना। देखो आई कार्ड में लगा दिया फोटो। देखो मेरे गंधर्व में मुझे दो प्यारी सी लड़कियां मिली, क्या नाम सत्यवंती और सताक्षी। उन्होंने क्या बोला था आपने बताओ ना, अंदर जब सर्च किया किसने मारा था सबसे पहले तो आपका नाम आया था। तो सारे शॉर्ट्स देख लिए मैं तो आज भी देखती हूं आपके वीडियो। सही है यार, देखा करो यार, अच्छी लगती है। क्लास हो गई मेरी, बस वैशाली अंदर से आ रही है तो मैं मिलवाती हूँ उससे। हो गई है क्लास, वैशाली तो यार उस क्लास थी तो वो चली गई, मिलवा नहीं पाई मैं। उसी के मैसेज आ रहे हैं, देखो मिलवा नहीं पाई बस मैं निकल गई हूँ। वैशाली मैसेज कर रही है मुझे, बात नहीं नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। अब तो वैशाली के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में मिलके। मैं अंदर क्लास में तो वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि नॉट अलाउड। अंदर के कुछ जगहों पर तो मैं वीडियो बनाऊंगी, उसके बारे में मैंने पूछा है परमिशन लेने के लिए तो बता देंगे सर। आज ही मैंने रिसेप्शन पे पूछा है कि भैया मैं व्लॉग तो बनाती हूँ, मेरे व्लॉगों का क्या होगा, लोगों का क्या होगा जो व्लॉगों देखते हैं। वो भैया खड़े हैं जो जिनके यहाँ से मैं जूस पीती थी, अब मैं जूस पीऊंगी क्योंकि खाना खाया तो बहुत टाइम हो गया। पिला दीजिए जूस, इतने सालों बाद आपका जूस भी पी लेंगे। हाँ। फिर से ज्वाइन कर लिया ना मैंने गंधर्व, फिर से आप। हाँ। नहीं फिर मैं नई हो गई ना, पुरानी नहीं रही। तो ये रहा अंकल वाला जूस, अंकल बड़ा फ्रेश जूस बनाते हैं। मेट्रो स्टेशन के पास से ही आप अंकल से जूस पी सकते हो अगर आप इस तरफ आ रहे हो ITO गेट नंबर 2 के पास से, बड़ा फ्रेश जूस बनाते हैं अंकल। मुझे यही पसंद था तो मैं हमेशा पीती थी गंधर्व से पहले, अब तो मैं खाना खाकर आई थी तो मैं बाद में पी रही हूँ। जब जितने लोगों से मैं यहाँ मिलती थी आने जाने में मिलना होता था ना, वो सब मुझे पहचानते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आम ले रही हूँ, बच्चे कल कह रहे थे आम खाने हैं, खाला 2 किलो कर दो। आप नहीं करो तो कैश जरूरी थोड़ी है, वो भी तो आपके पास ही आ रहा है जो पेटीएम से। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैं नाश्ता लेने गई थी, मना कर दिया कि देंगे ही नहीं, वो नहीं करेंगे पहले। तो भैया ये ऐसा जरूरी थोड़ी है, नहीं है तो बताओ, वो तो दे दो, कोई बात नहीं है मेरे पास, लेकिन पोनी होती है ना, एक बेटा पोनी की बात समझा करो। अच्छा पहुंच गई मैं और मेरा ना अच्छा खासा वो हो गई है, वॉक हो गई है मेरी। आम ले लिए मैंने, सिमी कल इतना कह रही थी रात को आम खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था उसका, और आम को भी बोली रही थी। गई हूँ मैं 5:30 बजे मैं घर लौट भी आई वापस। सही है, इसका नाम लिया मैंने ट्यूशन से। छुट्टी हो गई, हो गई ट्यूशन? वही तो पूछ रही हूँ, देख आम खाने देना। हो गई, कैसी रही क्लास? मुझसे भी पूछ लो, मैं भी आई हूँ क्लास से। आपकी कैसी रही? अरे प्रिंसिपल गया। कैसी रही क्लास? तो सारे इकट्ठे मिल गए। स्कूल कैसा रहा तेरा पहला दिन था ना स्कूल का वेकेशन के बाद? अच्छा रहा। सुन ओ जामुन का पेड़ है ऊपर ये वाला, सही में खाने ये वाला? मुझे तो इतने दिन से जामुन खाने का मन कर रहा था। तो रुक जाओ, बैग पकड़ो। हैं बैग पकड़ो। तोड़ कैसे तोड़ेगा, देख गिर मत जाइयो कहीं। ओ भाई तोड़ने जा रहा है। अच्छा तो फिर गिर जाएंगे ऊपर से, प्रिंस जामुन तोड़ेगा। तोड़ो तोड़ो डंडा, आई गेस डंडा। मेरे को जामुन पड़े हुए दिखाई दिए, मुझे नहीं पता था जामुन का पेड़ है यहाँ पे। अरे वाह, फिर ये जामुन खाने को मिलेंगे। जामुन का पेड़? हाँ एक। अरे बहुत करोड़ों है यहाँ पे, करोड़ों पार्क में है और एक पीछे। हाँ। को है, मुझे नहीं पता था यार। सही है, जामुन खाने का मेरे दिन से मन कर रहा था। ले राजू डंडा, कहाँ से लाया तू? पता इतना लंबा डंडा, इससे तो टूट ही जाएंगे यार। तोड़ते हैं लोग यहाँ से। हाँ? अरे आगे आगे है जामुन, ये तो वो है नीम। तू तोड़ पाता है? हाँ? कभी तोड़े है? चल तोड़ तोड़ तोड़। ओए तू गिर मत जाइयो, नहीं पहुँच पाएगा बेटा, गिर जाएगा कभी तेरे ऊपर गिर जाए। पास में हो वो देखना, देखना यहाँ पास में टहनियों पे, यहाँ से तो मुझे दिख रहे हैं काफी जामुन। आप तोड़ो। एक भी नहीं निकला, पसीना पसीना हो गई, मैंने भी कोशिश की पर नहीं निकला। बेटा रख के आ जाओ फिर कल देखेंगे। कल आपको नहीं, कल नहीं जाना, खट्टे घर आ गए।
आप ही शॉक्ड घर आ गए। हमने जामुन तोड़ने की कोशिश करी पर नहीं टूटे ही नहीं। मेरा बड़ा मन था जामुन खाने का, बताया नीचे गिरे पड़े में गिरी और जामुन खाने का दिन से दिल है। ये देखो मेरी रिंग लाइट आ गई और जीजू से मंगवाई है या ले भी आया। जीजू मेरा तानपुरा ले आया, बस मुझे कमी लग रही थी क्योंकि मुझे रियाज भी करना है और वीडियो भी बनानी है, तो उसका सामान मेरा। ब्लॉग किसी और का है और ब्लॉगिंग हम जामुन तोड़ रहे हैं। तीन चार पाँच जामुन देखिए पूरी टहनी टहनी तोड़ी है इसने जामुन। ये थोड़े से कच्चे हैं, बड़े वाले जो पेड़ के हैं। बड़ा वाला कौन सा है? ये दिखा ना ऊपर जो है ना वो सही है। वॉश करके टोकरी में रख दियो ठीक है। आप भी जा रही थी डॉक्टर को दिखाने तो मैं भी दिखा लूंगी वहाँ पे, क्योंकि मेरे भी दर्द हो रहा है पेट में। सही हो गया था दर्द, जितने दिन से दर्द हो नहीं रहा था पर अब फिर से हो रहा है। कब तक वापस आएगी? 8 बजे तक। पार्क जा रही है, मैं घर चली जाऊंगी, जो काम होना था वो हो गया। दवाई लेनी थी आप ही को, मुझे भी दिला दी है। नहीं भैया मेरे बस की नहीं है, मैं रियाज करूंगी घर जाके, थक गई हूँ बहुत ज्यादा। नहीं पा गए क्या? सुकून सुकून चाहिए होता है वहाँ। आप ही ले आई पार्क, चक्कर लगा रही है, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा। यहाँ पे कोई औरतें गीत गा रही है उधर गीत गा, मैं तो बैठूंगी, मैं बहुत दर्द कर रहा है मेरे। घासों पे चप्पल उतार के चलने का मजा है ना ऐसे। हाँ ठंडी ठंडी पर पानी होगा मेरे यहाँ ख्याल से, बहुत अच्छा लग रहा है यार ऐसे चलने में तो। यहाँ बेंच खाली है, यहाँ बैठ जाते हैं, थोड़ी देर थक गई हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं थक गई हूँ यार। चल तो मैं भी ले दी लेकिन अब मेरे बस की नहीं है चलना। मैं गंधर्व से आई इतना दूर से, फिर आते यहाँ पे ले गई मुझे। अब इतनी दूर से हम पैदल ही चल कर आ रहे हैं, बैठूंगी बस थोड़ी देर। ये देख वहाँ रोशनी आ रही थी ना, इसलिए वहाँ कह रही थी बैठने के लिए, व्लॉग बन जाता। क्या तेरा चक्कर लग गया? थकती नहीं हो तुम? 5 चक्कर हो गए मतलब वहाँ से। हम तो थक जाते हैं बहन, लोग दस लगाते हैं। देखो ऐसे पंखा चल रही है यहाँ पे, सबको दे रही है। हाँ सही है, मतलब मच्छर भी नहीं लग रहे, मेरे को तो चला ही नहीं जा रहा। वो लेके आती है, वो देख, वो देख सबके हाथ में। देख तो मैं एक टिफिन में देखने आई हूँ यहाँ पे, छोटा दिखा दो कोई। यहाँ पे यहाँ की स्टेशन ऐसे नहीं भैया, छोटे छोटे दिखाना। और दिखा कोई सही लग रहा है ये वाला, वैसे और दिखाना ये वाला। ये सेम है कलर, वो कलर अलग है वैसे सेम है। दिखाना ये वाला लेना, मुझे बॉल चाहिए पहले। हाँ तो यही दे दो, एक ही दे दो। ये देखो टिफिन लेके इसमें करवा लिया मैंने अखरोट और ये काजगंधर गई थी ना आज, तो उसके रास्ते में खाने के लिए कि मैं कुछ चटर पटर ना खाऊं। चल बंद कर दे, हो गया मेरा इंतजाम रास्ते का। ये मूंगफली और पोहा ले लिया मैंने क्योंकि मेरे को चाय और पोहा खाना है यार। हम ले रहे हैं सब्जियां, टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, 120 रुपए किलो टमाटर, इतनी महंगाई। 120? अच्छा 150 का होता है लेकिन टमाटर महंगे हो गए गाइस बहुत ज्यादा। आटे टमाटर के रेट पता चल रहे हैं मुझे आज पहली बार। गाइज आज है 7 जुलाई, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और तब प्यारा सा मौसम हो रहा है। बहुत ज्यादा उमस हो रही थी कितने दिन से, अब थोड़ा सा खुदा ने जो है रहम किया है। थोड़ी बारिश वारिश हो रही है, मौसम भी अच्छा है, हवा भी चल रही है और अभी मैंने रियाज किया, 1 घंटे से मैं रियाज कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मतलब दिल को सुकून मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन के बाद मैं इस रूटीन में आई हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज नाश्ते में पोहा खाया था मैंने बना के, आप ही ने पराठे बनाए थे लेकिन पराठे नहीं खाऊंगी मैं, मेरे को हेल्थ का भी ख्याल रखना है। पराठे मैं लंच में खा लूंगी। इसे मेरे प्रिंस गए हैं स्कूल, जीजू भी स्कूल गए हैं और सब पूछते हैं जीजू स्कूल गए हैं, मतलब जीजू मेरे टीचर हैं इसलिए वो स्कूल जाते हैं। तो जीजू सिमी प्रिंस सब स्कूल गए हैं, आप ही और मैं हैं अभी, काम कर रही हैं जो आती हैं काम, बर्तन वर्तन धो रही हैं, सफाई वफाई करेंगी और अभी मैं नहाऊंगी। मैं सोच रही हूँ आज एक वीडियो बनाने का, मैंने कल रिंग लाइट मंगवा ली थी जीजू से, जीजू स्कूल से आते वक्त ले, अब अपने एडमिशन के लिए गई थी जीजू के साथ, जीजू का एडमिशन कराने गए थे ना, तो वहीं से मैंने वो रिंग लाइट मंगवा ली थी अपनी और यहाँ पे आ गई मेरी रिंग लाइट। अब जो मेरी वीडियो पेंडिंग है ना वो बना लूंगी। ओहो चेयर, ओहो इसका क्या करोगी? हाँ रख दी थी, इतनी अच्छी चेयर, नई नवेली पुरानी कर दी। वेलकम होम, देखो कैसे लास्ट टाबो की तरह बैग पकड़ लिया गया है इनका आते ही। वेलकम होम हैरी, कैसा रहा स्कूल? अच्छा। ये हमेशा आके बताती है एक अच्छी बात हुई आज, एक बुरी बात हुई है। बुरी बात क्या हुई है? मैंने लंच खाया। अरे मजाक कर रही हूँ, इधर आओ इधर आओ। लंच खाया या नहीं खाया? अब देखो मेरा लंच क्या कराया लंच का तुमने? ओ मजाक कर रही थी गाइस, सब्जी रखी है। अरे कैसे खाया फिर बिना सब्जी के? सब्जी सारी ऐसे ही रखी है। नहीं, एक आलू खाया। एक आलू की वो स्लाइस होती है ना, पूरी रोटी से वो खाई है इसने।
आंटी हो गया यार। आंटी मुझे बता रही हैं जिस दिन मैंने वीडियो डाली थी ना वो वाली के आप ही की काम वाली नहीं आती, जिस दिन मैं आती हूँ इत्तेफाकन होता है खैर ऐसा, वो उनके बच्चों ने देख ली, बता रहे थे उनके बच्चे की मम्मी आप जहाँ काम करने जाती हो उनकी बहन है ना वो ऐसे ऐसे बोल रही थी, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसे इत्तेफाक से हो जाता है। खैर मेरी तो वो मजाक वाली बात थी कि ब्लॉग में मैंने ऐसा बोला, तो यार बच्चों बुरा नहीं मानना प्लीज। नहा लूँ पहले मैं, नहाई नहीं क्यों नहाऊं स्कूल आने से पहले। अच्छा हाँ बच्चों को ऐसा होता है ना कि हम ये स्कूल से आ जाएं तब तक सारा घर का काम हो जाए, सब नहा ले धो ले, ऐसा होता है हमें भी होता था हम स्कूल से आते थे ना, सब कुछ एकदम फ्रेश फ्रेश मिलना चाहिए जब हम स्कूल से आए। आंटी से कह रही हूँ कि आप जो भी बता रही थी ना आपके बच्चे ने देखी वो वीडियो ऐसे बोल रहे थे, आप एक बार कैमरा पे बोल दो। तो कह रही क्या बोला था मैंने कैमरे पे आती सब फिर उन्होंने कहा भूल गई कैमरे पे बताओ, आप ऐसे पीछे आके बोल दो क्या बोलूं, आओ तो क्या बोलूं, वीडियो में आपने जो बोला कि वीडियो देखी थी एक दिन नहीं आई, मैं क्यों नहीं आई आप बता रही थी ना कि क्यों नहीं आ पाई आप, वो यहाँ पे आ जाओ बस कैमरे के पास बताओ बताओ क्यों नहीं आई थी। मैं इसलिए नहीं आई थी मेरे बेटे का बर्थडे था, मेरे घर में मेहमान आए थे। अच्छा इसलिए नहीं आई थी मतलब मैं ऐसे कोई उससे थोड़ी कह रही थी, मेरा तो मतलब ये था कि फनी वे में एक बात की हाँ ऐसा होता है इत्तेफाकन होता है ना, आप बताओ कि जब भी मैं आती हूँ आप नहीं आती, अब मुझे क्या पता आप कह के आए करो मुझे तो मतलब है ना इत्तेफाक होता है, मैं ये बता रही थी कि इत्तेफाकन ऐसा होता है कि जिस दिन मैं आप ही क्या आती हूँ आंटी आती है कि मेरी छुट्टी होती है। आंटी छुट्टी नहीं करती हैं, बहुत अच्छे मतलब अच्छे से काम भी करती हैं, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती हैं, मैं तो खुद अप्रिशिएट करती हूँ आप ही करती हूँ ना सब करती हैं, लेकिन वो एक दिन की छुट्टी तब होती है जब मैं आती हूँ तो, और आपके घर में मेरी वीडियो देखते हैं सब, क्यों नहीं देखते सब देखते हैं, अच्छा लगता है वीडियो देखने में, नहीं कोई बात नहीं अच्छा लगता है उनको, अच्छा लगता है मुझे, मुझे अच्छा लगा और अच्छी बनाती हो खूब आंटी आगे जाके तारीफ हो कोई बात नहीं उनको नहीं पहुंचनी चाहिए ना। हाँ सही बात है सब लेकिन, सब लाइक लेकिन अगर आपको बुरा लगा उस बात का तो सॉरी दिल से, मुझे बुरा नहीं लगा मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा चलो ठीक है बाय बाय आंटी, आप उनको भी बोल देना आप ये वीडियो देख लेंगे, नई शक्ल नहीं आई आपकी कर गई है काम घर का सब सफाई हो गई है, अब मैं नहा लेती हूँ, सिमी चेंज कर ले बेटा चेंज कर जाके जल्द, क्या नहीं स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के सो रहे थे कहाँ, हाँ नमाज पढ़ ले फिर जाओ, आज जुम्मा भी है मैं भी नहा लेती हूँ, मैंने बाल तो कल ही धोए थे बस मैं बाल नहीं धोऊंगी ऐसे ही कर लूँ, आप ही बाहर जा रही है आप ही को मुझे एक ब्रश ला के देना है और सिमी की कुछ सामान लेने बाहर जा रही है आप ही, चश्मा अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर आप ही कह रही थी कि परसों अच्छा नहीं लगता गंदा लगता है, अरे इसने गाइस आपको नहीं पता अच्छा आप ही को नहीं बोला, ऐसे होता था मेरे गिटार क्लास में भी ना मैं बोलती थी सर आप ही के घर जा रही हूँ मैं, सर कहते थे मेरे घर सर नहीं आपके घर नहीं आप ही के, आप ही के सोचते थे वो आप ही के, क्योंकि उनको नहीं पता ना आप ही बोलते हैं हम बड़ी बहन को आप ही बोलते हैं, तो आप ही भी यही सोच रही है आज, क्योंकि अभी आज ये धोखा हो गया कह रही है मैंने कब बोला, सिमी को बोला आप ही बोल रही थी कल आप ही नहीं आप ही, देखा कितनी बड़ी कंफ्यूजन है अली, मैं अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने, वहाँ भी पढ़ रही है कुरान शरीफ, तुम इधर शिफ्ट हो जाओ जा नमाज मुझे देख, आपके पास एक ही जा नमाज है, पढ़ ली है मैंने नमाज बस अब खाना खाऊंगी, खाना खा के मैं करूंगी अपनी वीडियो बनाने की तैयारी ना, इस वाले पेड़ पे मुझे एक बंदर और उसका बच्चा दे बैठे हुए मिल दिखे अंधेरे में, सिर्फ उनकी वो दिख रही थी बंदर नहीं दिख रहे थे, तो मैं डर गई मैंने कहा भाई क्या चढ़ा बैठा है, ऐसे डर लगता है क्योंकि यहाँ ग्रीनरी जितनी अच्छी लगती है ना दिखने में रात में उतनी डरावनी लगती है, बताना कमेंट करके आपको ये साथ भी ऐसा होता है क्या। बना रही हूँ मैं जीजू के लिए चाय, अदरक डालना है इतनी गर्मी में भी जीजू अदरक वाली चाय पीते हैं, अदरक तो है ही नहीं, फ्रिज में वो वाले जामुन जो हमने कल तोड़े थे और इतने टेस्टी हैं ये, अभी खाया मैंने एक कल से अब एक खाया, ये रहा जामुन कल वाला पेड़ का टूटा हुआ और डाली मैंने इतने मोटे मोटे जामुन थे ऐसे ही बहुत अंगूर के गुच्छों जितने इतने बहुत सारे, देखो कैसे कलर आ रहा है, अदरक नहीं मिली मुझे मैंने इलायची डाल दी जीजू की चाय में, अरे जीजू पीते हैं बहुत तेज पत्ती और बहुत तेज चीनी की चाय, तो ये जब तक इसका रंग एकदम काला नहीं हो जाता ना कड़कड़ के तब तक जीजू को ये पसंद नहीं आएगी चाय, मुझे बिल्कुल हल्की चाय पसंद है पीना, आप बताना ये वालों में से हो या फिर जीजू जैसी अब पीते हैं चाय, आप भी ऐसी पीती है तो पूरी काली नहीं हो जाएगी ना जब तक ये जीजू को नहीं अच्छी लगेगी, देखो बन गया जहर, मैं जीजू की चाय को ना जहर बोलती हूँ क्योंकि जीजू बहुत ही कड़ी वाली चाय पीते हैं एकदम कड़ा की, तो देखना तुम्हारे टाइप की बन गई है, मुझे पता है जीजू को कैसी चाय पसंद है क्या ही दिखाऊं, ये रहा मेरा जामुन बहुत ही मस्त है यार, ये देखो अरे यार ये संची ऐसे हो जाती है ना जब मुझे बहुत गुस्सा आता है, हो गई संची सीधी, इसको बस घुमाना था, जीजू कहते हैं आधा कप चाय दे दो मुझे लेकिन पूरा भरा नहीं हो जब तक कप, जब तक कहते हैं ये क्या है
मैंने बना के सुबह ही रख दिया था खाना, तो मैं निकालने जा रही हूँ अपने लिए। आप इन्हें खा लिया, जीजू ने खा लिया, मैं अपने लिए निकालूंगी। और आज मैं व्हाट आई डिनर डे भी शूट कर रही हूँ, तो उसका भी क्लिप लेना है। तो आज खाने में क्या बनाया था आप इन्हें? आप ही सुबह बना रही थी क्योंकि बच्चों को लंच देना होता है। आलू और तोरी की सब्जी, आप बताना आपके घर में बनती है? हमारे यहाँ तो तोरी और अरबी बनाती है मम्मी, ये भी बहुत टेस्टी लगी मुझे, मतलब लग रही है। अभी तक तो मैंने खाई नहीं। सुबह नाश्ते मैंने वो खा लिया था पोहा, और सबने ब्रेकफास्ट में भी ये सब्जी पराठों के साथ खाई थी। आपने पराठे सब बना दिए थे। क्या है पराठा? एक ही लूंगी मैं बस। सिमी खाना कर लिया आखिरकार तूने चेंज? व्हाट आई डिनर डे शूट करने के चक्कर में बालकनी में आके बैठ के खाना खा रही हूँ। अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे ग्रीनरी में एकदम? वैसे ये आपके घर की एंट्रेंस है। आपने तोरी और आलू की जो सब्जी बनाई ना, बहुत मस्त लग रही है। खा ले, तुझे नहीं मिलेगी ऐसा? खा रखा है रोटी? अरे दुनिया में कैसी बातें करती है? ऊटपटांग से बातें करती है। कमेंट करके बताना कि आपको लगता है कि ऊटपटांग बात करती है। तो भैया कमेंट करके सिमी कितनी ऊटपटांग बातें करती है। खा लिया मैंने खाना, बहुत ही टेस्टी बनाती है आप ही खाना, मेरे मतलब का हल्का मिर्च मसालों का। सब्जियाँ कोई नॉनवेज नहीं। दूसरी एक वीडियो में मुझे वॉइस ओवर करना है, जब तक आप ही आती है तो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ वीडियो में, के बाद मेरे को जो वीडियो बनाना है वो बनाऊंगी, शॉर्ट अपलोड कर देती हूँ। इतनी जल्दी वॉइस ओवर किया क्योंकि जीजू को आराम करना था। कूलर चल रहा है यहाँ हॉल में, ओ बारिश हो रही है, और यहाँ कूलर चल रहा था और अंदर ना कमरे में बेड हट गया, और बीच वाले कमरे में तो बेड है ही नहीं, आवाज गूंज रही थी। अब वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी मैं, तो हॉल में ही कर पाई वॉइस ओवर। जीजू को इंतजार करना पड़ा, जीजू स्कूल से आके आराम करते हैं यार, मैंने जल्दी जल्दी फटाफट करा, नहीं तो वॉइस ओवर में मैं ला देती हूँ टाइम 20 मिनट 25 मिनट। और मैंने कितने देर में कर दिया? 5 मिनट में तो कर दिया, 5 मिनट में वॉइस ओवर निपटा दिया। घंटी मूवी वाला जो वॉइस ओवर करा है मैंने, देख लेना शॉट। क्या वो प्रिंस होम आते लेट गया? पानी दू? यार बच्चे बहुत थक जाते हैं स्कूल से आके। ओ भैया लो बरस पड़े आसमान, बहुत ही अच्छी बारिश होने लगी। और सिमी फिर से नहाने चली गई मेरे लाख मना करने के बाद। 2 घंटे में घर की सफाई हुई है, 2 मिनट में गंदा कर देंगे ये लोग, नहीं मान रही है। और आप ही बाहर है और बारिश हो रही है, जा अंदर, एंट्री नहीं है तेरी, डेली थोड़ी ना आते हैं बारिश में। इतना मना किया सिमी, अब मैं बात नहीं करूंगी तुझसे, मना किया कि मत ना बारिश तो अब आएगी आएगी। लड़की नहीं मानी, चेंज किया था और अब ये नहा ली। अब अंदर मत आना आप, बाय गुड नाइट। बारिश हो रही है और धूप भी आ रही है, दुआ मांग लो। ऐसा बोलते हैं कि बारिश और साथ में धूप एक साथ होते हैं ना, दुआ कबूल होती है। तो ऐ खुदा प्लीज बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी कर दो, जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सब की जो अभी अभी मांगी हुई विश है वो पूरी कर दो। अभी मेरी कार रह गई यार बारिश में बेचारी, देखो कुत्ता भी भाग के आ रहा है अंदर की तरफ, इसको भी अकल इतनी है। भैया बारिश में भीगना नहीं है, बीमार हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे नहीं मानते। हमें मस्त यहाँ पे ये वाली चेयर की सिम्मी ने रखी, बारिश इंजॉय करती और आप ही का वेट करती, अपलोड कर दी मैंने। आ गई आप ही और ले आई ब्रश जो मुझे मंगाना था। बन गई है मेरी वीडियो और आप देख लो कि चेहरा मेरा चमक रहा है, चेहरे चमकने का जो राज है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को एंड कर दूं एज यूजुअल, क्योंकि रात होने वाली है और मुझे यही व्यू बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, तो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। कुछ कमेंट्स पढ़ती हूं। पहला कमेंट है, हाय अर्शी आपी, माय नेम इज उज़्मा। सब कहते हैं कि आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, बट मैं ये कहूंगी कि आपके ब्लॉग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लव यू सो मच आपी, थैंक यू सो मच। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपको मेरे ब्लॉग देखने पसंद तो है ही, लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सेकंड कमेंट पढ़ लेते हैं, यार अर्शी प्लीज मेरा नाम और मेरी सिस्टर का नाम ले लो, मुस्कान मिजवा, हम ट्विंस हैं। अर्शी अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आपकी फैमिली को भी, आप जैसा हम सफर चाहते हो वैसा आपको मिल जाए। और यही लिखा इन्होंने कि आप हमारा दोनों का नाम ले लो। तो मुस्कान और मिजवा थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे ऐसे ही ब्लॉग देखती रहिए। यूनिक कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके भी कमेंट रीड करूं। थर्ड कमेंट पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा लगा अर्शी आपने गंधर्व फिर से जाना शुरू कर दिया, और प्लीज जरूर सिंगिंग दोबारा शुरू कीजिए, कितना टाइम हो गया आपका गाना कोई सॉन्ग नहीं सुना, नाम ले लीजिए अगर आप ले सकें तो। तो इनका जो नाम है वो मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि यूजर नेम मुझसे नहीं पढ़े जाते यार। ये लास्ट नाम है शिफा, जो की झारखंड से हैं, और उनकी बहन है सना, जिनका मैंने कमेंट पढ़ा था कभी। उन्होंने आप ही को पता नहीं कहां से आप ही का नंबर उनको मिल गया, उन्होंने कॉल किया कि वो मेरी सब्सक्राइबर है, और इतनी अच्छी बात हुई उनसे कल रात में, बहुत मजा आया उनसे बात करके मुझे, कि वो बहुत इंजॉय करती है मेरे ब्लॉग्स। और उनकी छोटी बहन है, उसका नाम नहीं लिया था तो वो रोने लग गई थी, उसका नाम शिफा है। थैंक यू सो मच शिफा इतना प्यार देने के लिए, वो कह रही थी कि कभी दिल्ली आएंगे तो आप हमसे मिलिएगा। तो बिल्कुल सना और शिफा हम बिल्कुल आपसे मिलेंगे, और बोल रही थी उनके भाई का नाम तलहा भी है, फूफो के बेटे का नाम तलहा और शिफा ही है। इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।